हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। राइट, और आज हम एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कह लो या टॉपिक कह लो डिस्कस करने वाले हैं। राइट, दी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। राइट, हमने प्रीवियस लेक्चर की बात की, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट द नेचर एंड द स्कोप ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हमने बहुत ही फंडामेंटल चीजें देखी बायोलॉजी को लेकर। हमने देखा क्या क्या डिविजन्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं बायोलॉजी के, जिसमें आता है बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। राइट, हमने देखा वेरियस साइंसेस। राइट, हमने अलग अलग बायोलॉजी के फील्ड्स के बारे में देखा। राइट, फादर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, ये भी पढ़ी थी हमने। राइट, सो आज का जो लेक्चर है, इट इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लाइफ। किसके बारे में स्टूडेंट्स डिस्कस करने वाले हैं? अबाउट द लाइफ। राइट, अब मैं आज का जो सेशन है उसके बारे में एक समराइज्ड मैनर में बताऊं तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट लाइफ एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, कि व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी अ लाइफ और अ लिविंग। क्या चीज होती है जो एक ऑब्जेक्ट को लिविंग बनाती है, उसको हम लिविंग क्यों कहते हैं। राइट, दूसरी चीज, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ब्यूटिफुल टॉपिक। राइट, सो लाइफ का डेफिनेशन यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। राइट, वी कैन नॉट, मैं एक बार बता दूं कि वी कैन नॉट डिफाइन लाइफ इन अ सिंगल लाइन। राइट, हम लाइफ के जो डेफिनेशन है इसको एक लाइन में नहीं बता सकते, बट द बुक हैज ट्राइड, आई हैव ट्राइड टू डिफाइन इट इन अ सिंगल वर्ड, आई मीन इन अ सिंगल लाइन। राइट, सो क्या होता है देखते हैं। राइट, लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। राइट, एक यूनिक प्रोसेस है, नेचर ने बहुत ही यूनिक प्रोसेस बनाया। कैसे? एक छोटी सी सीड, आप ये सीड ले लो, कैसे ये छोटी सी सीड जर्मिनेट हो जाती है इनटू अ प्लांट, कैसे ये छोटा सा जो सीड है ये जर्मिनेट हो जाता है इनटू अ प्लांट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। अब ये चीज क्लियर है, इट इज अ यूनिक प्रोसेस एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। राइट, विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स? तो यहां पर कार्बन की बात की गई है, हाइड्रोजन की बात की गई है, ऑक्सीजन की बात की गई है, नाइट्रोजन की बात की है, सल्फर की बात की गई है। राइट, देखो अब ये मॉलिक्यूल्स, राइट, ये क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को। राइट, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। कौन से मॉलिक्यूल्स हैं वो? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। राइट, एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को थ्रू केमिकल रिएक्शंस। कैसे एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को? थ्रू द केमिकल रिएक्शंस। राइट, अब उस केमिकल रिएक्शन से होगा क्या, उस केमिकल रिएक्शन से क्या होगा, विच लीड टू डैश, विच लीड्स टू वॉट। राइट, सो इस केमिकल रिएक्शन का जो फाइनल जो उसका डेस्टिनी होगा, दैट विल बी ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। अब कहने का मतलब यह है कि अगर आपको एक किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी किसी भी ऑब्जेक्ट में आपको अगर ये फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, देन यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज लिविंग। आपको अगर ग्रोथ भी दिखाई दे रहा है, आपको अगर मेटाबॉलिज्म दिखाई दे रहा है, डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस दिखाई दे रहा है, अडेप्टेशन दिखाई दे रहे हैं, दैट यू कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज लिविंग। राइट, अब मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। राइट, एक लिविंग बॉडी है, अब एक लिविंग बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट है? ऑर्गन प्रेजेंट है। राइट, ऑर्गन है, ऑर्गन किससे बन रहा है? इट इज मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यूज। राइट, अब टिश्यूज किससे बनते हैं? सेल्स से बनते हैं। राइट, अब सेल्स की बात करूं तो सेल्स किससे बनते हैं? दे आर मेड अप ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स। राइट,
दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? सेल ऑर्गेनेल्स. एंड आप उठाकर देख लो तो सेल ऑर्गेनेल्स का जो कॉम्पोजिशन होता है, बेसिक कॉम्पोजिशन, दैट इज नथिंग बट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फरस, सल्फर, राइट. सो कहीं ना कहीं सबसे बेसिक चीज यहां पर क्या आई? द मॉलिक्यूल्स, राइट. सो ये हायरार्की आपको समझ में आ रही है, कैसे ऑर्गेनाइज हुए हैं, राइट. कैसे ऑर्गेनाइज होके क्या बनता है? ऑर्गन्स. एन ऑर्गन मेक्स ऑर्गन सिस्टम, एन ऑर्गन सिस्टम मेक्स अ बॉडी, राइट. फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, तो पॉपुलेशन बन गया, कम्युनिटी बन गई, राइट. अब एक चीज याद रखनी है स्टूडेंट्स की, लाइफ कैन नॉट बी क्रिएटेड. ऐसे नहीं मैंने एक बीकर लिया, बीकर में कार्बन डाल दिया, हाइड्रोजन डाल दिया, ऑक्सीजन को डाल दिया, नाइट्रोजन को ऐड कर दिया, फॉस्फोरस को ऐड कर दिया, लाइफ बन गई. लाइफ cannot be created like this. Although यहाँ पर molecules जो भी खेल है basic level पर, fundamental level पर molecules का ही खेल है, but इसका मतलब ये नहीं कि हमने beaker में carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus add किया and we are making a life. Life cannot be created like that, right? हमको पता है कि cell organelles का composition क्या है, हमको पता है cell का composition क्या है, but we cannot make it. हम नहीं बना सकते इसको, right? So this is about the definition of life, that is life is a unique complex organization of molecules that express itself through chemical reactions which leads to the following, that is growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction, right. ab ye generally aapko kya dikhai de rahe, characters, yahi characters ko yahan par aur zyada extend kiya hua hai, right. So the next topic is characteristics of living organisms, right. Individually hum har ek characters ko aaj padhne ki kaam karne wale hain, right. So first character kya hai? Definite shape and size, right. Characteristics of living organisms ya fir living beings mein pehla character hai definite shape and size, right. Aap dekhoge to living organisms ke ek definite shape and size hota hai, right. Changes hote hain, size mein badlav aata hai, but ek narrow range tak badlav aata hai. हमको पता है एक कैट है, कैट का साइज फिक्स है, इतना ही होगा, राइट. एक डॉग है, डॉग का साइज पता है हमको कितना होगा, राइट. सो आपको दिख रहा है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइज है, जो शेप है, वो क्या है? डिफाइंड है, राइट. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन की बात हमने यहां पर कर दी है, कैसे अरेंज हो रहे हैं, राइट. कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मॉलिक्यूल्स से सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड लिविंग बॉडी, राइट. नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में देर इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, राइट. थ्रू आउट देयर लाइफ देर इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन केस ऑफ प्लांट्स, बिकॉज उनके पास एक खास टाइप का सेल्स होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स. सिर्फ अभी मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, डोंट वरी, हर एक चीज को हम डिस्कस करने वाले, ओके. सो इन केस यहां पर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, डोंट वरी, अभी आगे हम और अच्छे से इसको करेंगे, राइट. सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्लांट्स की बात की जाए तो दे हैव अ मेरिस्टेमेटिक सेल्स और टिश्यू जो कि एक डिवाइडिंग सेल्स है, राइट. सो आपको ये जरूर देखने को मिलेगा कि प्लांट्स में ग्रोथ कंटिन्यू 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 होता है, राइट, अनलेस परमानेंट टिश्यूज नहीं आते, राइट. अब एनिमल्स के केस में देखें तो एनिमल्स में एक एज टाइम तक क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, राइट. उसके बाद नहीं होता है. लाइफ लॉन्ग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको नहीं देखने को मिलता है इन द केसेस ऑफ एनिमल्स. नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म. अब स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म विच इज ऑल्सो कॉल्ड बायोकेमिकल रिएक्शंस, इसको क्या कहा जाता है? बायोकेमिकल रिएक्शंस. अब यहां पर ऑलरेडी हमने लिखा, तो यही चीज होने वाली है. इन मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? आपस में रिएक्शन होगा, राइट. एंड जिस वजह से देयर विल बी व्हाट द फॉलोइंग ऑल द फीचर्स, राइट. सो मेटाबॉलिज्म में हम अभी पढ़ेंगे अबाउट व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, व्हाट इज एनाबॉलिज्म, राइट. सो नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने ही जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, दैट इज रिप्रोडक्शन. इट
कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स राइट दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट इज होमियोस्टैसिस राइट. होमियोस्टैसिस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स की हमारा जो बॉडी का इंटरनल एनवायरमेंट है वो क्या है स्टेबल है. हमें परवाह नहीं है कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या हो रहा है. अगर अगर एक्सटर्नल एनवायरमेंट में सपोज 100 डिग्री टेम्परेचर तो जरूरी नहीं है कि हमारा भी क्या होगा 100 होगा. इट इज नॉट दैट राइट. सो ऐसा नहीं है. हमारे जो इंटरनल पार्ट या इंटरनल हमारा जो बॉडी है उसके अंदर टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है स्टेबल राइट. सो याद रखना है कि एक्सटर्नली अगर 100 है तो हमारा भी 100 डिग्री नहीं होगा. वी हैव व्हाट थर्मो रेगुलेशन राइट. नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस क्या होता है वी आर अवेयर ऑफ द थिंग्स. सामने क्या हो रहा है किससे बात हो रही है राइट. ये सारी चीजें हमको क्या है बहुत ही ज्यादा क्लियर है. वी आर अवेयर ऑफ द थिंग्स. स्टिमुलस की बात की जाए राइट. अभी मुझे यहां पर ऐसे आप मारो पिन करो तो मैं क्या करूंगा इसको यहां से ऐसे हाथ निकाल लूंगा हटा लूंगा. दैट इज व्हाट इज कॉन्शियसनेस राइट. अडेप्टेशन. अडेप्टेशन यू ऑल नो राइट. अडेप्टेशन क्या होता है वी टेंड टू हैव दिस एबिलिटी कि हम सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं राइट. वी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. दैट इज व्हाट इज अडेप्टेशन. एवोल्यूशन सभी को पता है इट इज ग्रेजुअल चेंज राइट. एक चेंज है एक वेरिएशन के तरफ रास्ता लेकर जाएगा. दैट इज रिपेयर एंड रीजनरेशन राइट. रिपेयर एंड रीजनरेशन राइट. आप सेल्स के केस में देखते हो कि कैसे सेल्स रिपेयर होते हैं राइट. कोई डैमेज सेल्स हैं दे गेट रिपेयर्ड और कुछ अगर सेल्स रीजनरेट हो सके जैसे आपने बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल्स देखे हैं लिजर्ड के टेल्स. उनकी पूछ अगर कट जाए दे टेंड टू रीजनरेट द टेल पार्ट विच इज बीन रिमूव्ड और इट इज बीन कट राइट. एजिंग. एजिंग इज व्हाट गेटिंग ओल्ड राइट. हम फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं मैं फिर से बता रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स है. एजिंग इज व्हाट गेटिंग ओल्ड एंड फाइनली दी डेथ. डेथ के ऊपर हम आज कुछ अच्छी बातें करेंगे मैं बताऊंगा तुम लोग को राइट. सो दीज आर व्हाट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेम चीज है देखो यहाँ का कुछ हिस्सा यहाँ पे आपको दिखाई देगा ओके. और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स एक्स्ट्रा फीचर्स भी एड हुए हैं सो डोंट वरी राइट. दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है बस अपर एक्स्ट्रा फीचर्स एड हुए राइट. इंडिविजुअली हर एक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं. सो स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन राइट. सो सबसे पहला कैरेक्टर क्या है देखते हैं. फर्स्ट कैरेक्टर इज डेफिनेट शेप एंड साइज राइट. पहला कैरेक्टर है डेफिनेट शेप एंड साइज. अब इसमें मैंने ऑलरेडी आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि क्या होने वाला है राइट. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डेफिनेट शेप एंड साइज विच मे चेंज विद इन अ नैरो रेंज. चेंज होगा राइट बिकॉज जैसे उसका साइज ग्रोथ होते जाएगा थोड़ा सा चेंजेस आपको दिखाई देगा बट उनका जो शेप है वो कहीं ना कहीं आपको फिक्स समझ में आता है राइट. मैंने एग्जांपल भी दिया था कि सपोज कैट है तो कैट का हमको पता है कि साइज इतना होगा राइट. डॉग है तो डॉग का साइज हमको पता है इतना होगा राइट. सो यहाँ से पता चलता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म हर एक स्पीशीज का क्या होता है एक डेफिनेट शेप एंड साइज होता है. हालांकि उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट. जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होते जाएगा एज बढ़ते जाएगा देयर माइट बी सम चेंजेस राइट. वेरी माइन्यूट चेंजेस. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड मॉर्फ्स राइट. सो जिनके पास एक डेफिनेट शेप एंड साइज होगा उनको हम क्या बोलेंगे मॉर्फ्स राइट. एक डेफिनेट शेप एंड साइज होगा उनको हम क्या बोलेंगे मॉर्फ्स. उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है डिफाइंड है राइट. उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है डिफाइंड है. मॉर्फस मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी डिफाइंड है दैट इज मॉर्फस. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मॉर्फस बिकॉज उनका शेप एंड साइज क्या है डिफाइंड राइट. वेर इन नॉन लिविंग मैटर्स की बात करी जाए राइट दे आर कॉल्ड ए मॉर्फस. उनको हम क्या बोलते हैं ए मॉर्फस राइट. मतलब क्या फिक्स नहीं है उनका शेप एंड साइज राइट. आप एक माउंटेन ले लो. माउंटेन छोटे भी हो सकते हैं इतने बड़े भी हो सकते हैं राइट कि वो हिमालयन से भी ज्यादा बड़े.
सो यहाँ पर याद रखना है कि लिविंग जो है उनका एक डेफिनेट शेप एंड साइज होता है, वेयर इज नॉन लिविंग का कोई शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता, राइट? सो दिस इज डेफिनेट शेप एंड साइज। जिसके पास डेफिनेट शेप एंड साइज होगा दैट इज मॉर्फस, जिसके पास नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, ए मॉर्फस। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी मैंने बता दिया है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सी प्रॉपर अरेंजमेंट, राइट? अरेंजमेंट करना, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। इट इज डिफरेंसिएशन ऑफ अ बॉडी इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड सब यूनिट्स व्हिच आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली मैनर। सेल ऑर्गेनल्स किधर प्रेजेंट है, सेल में, राइट? सेल इज वॉज बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स एक साथ आकर एग्रीगेट होकर क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यूज, राइट? बहुत सारे टिश्यूज एक साथ काम करकर क्या फॉर्म करते हैं, दी ऑर्गेन। एंड ऑर्गन्स एक साथ, जिन जिन ऑर्गन्स के फंक्शंस सिमिलर होंगे वो एक साथ आकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड मेनी ऑर्गन सिस्टम्स मेक्स दी ऑर्गेनिज्म, राइट? सो आपको दिख रहा है ये एक ऑर्डरली मैनर में हो रहा है। बेसिक चीज यहां पर क्या होगी, बायोमोलिक्यूल्स, राइट? बायोमोलिक्यूल्स के बाद क्या आएंगे, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स के बाद क्या आएंगे, सेल्स। सेल्स के बाद क्या आएंगे, टिश्यू, देन ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम एंड दी ऑर्गेनिज्म। तो ये एक ऑर्डर मैनर में, राइट? सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रॉपर ऑर्डर में हो रहा है सब चीज, दैट इज व्हाई अ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। दैट इज व्हाई अ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, बिकॉज लिविंग बीइंग के अंदर जो भी हुआ है, राइट, दैट इज इन एन ऑर्डरली मैनर। यूनिट्स एंड सब यूनिट्स या स्मॉलर यूनिट्स एंड सब यूनिट्स का मतलब समझ में आ रहा है आपको, सेल, टिश्यू, ऑर्गेन, लाइक दिस, राइट? सो दिस इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, इसको देखते हैं, राइट? सो ग्रोथ इज अ परमानेंट एंड इररिवर्सिबल चेंज, राइट? आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि किसी की हाइट 6 फीट है तो उसकी 5 फीट हो गई, राइट? बिकॉज याद रखना, ग्रोथ इज इररिवर्सिबल, इट कैन नॉट बी रिवर्स, राइट? और ये एक परमानेंट चेंज, समझ में आ रहा है ना कि इररिवर्सिबल है मीन्स परमानेंट चेंज है। आप किसी सेल को देखो, ग्रो होगा फिर छोटा नहीं होगा, राइट? सो याद रखना है, ग्रोथ इज परमानेंट एंड इररिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ द सेल, ऑर्गेन, होल ऑर्गेनिजम्स, राइट? सो इट कैन बी एट सेलुलर लेवल, इट कैन बी एट ऑर्गेनिज्म लेवल, राइट? तो याद रखना है, ग्रोथ इज व्हाट, परमानेंट एंड इररिवर्सिबल। या फिर आप इसको सिंपल भाषा में डिफाइन कर सकते हो कि ग्रोथ जो है इट इज द इंक्रीज, राइट? इंक्रीज इन व्हाट, साइज एंड वेट, राइट? इट इज व्हाट, द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन साइज एंड वेट। एक सिंपल डेफिनेशन ये भी है, ग्रोथ इज व्हाट, द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द साइज एंड वेट। यही चीज यहां पर लिखी हुई है, यूजुअली अकॉम्पनीड बाय इंक्रीज इन द ड्राई वेट, मास एंड नंबर। सेल्स के नंबर बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है मास बढ़ेगा उसका, जब मास बढ़ेगा तो उसका ड्राई वेट भी बढ़ेगा, राइट? सो ये क्लियर रख रहे हैं व्हाट इज ग्रोथ, ओके? नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज व्हाट, द सम टोटल, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द चेंजेस, सम टोटल ऑफ चेंजेस और ऑल द चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्गन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, राइट? एक ऑर्गेनिजम्स में या एक ऑर्गन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग इट्स द लाइफ टाइम, दैट इज द डेवलपमेंट, राइट? क्लियर रखना है ग्रोथ एंड डेवलप, ओके? अब प्लांट्स और एनिमल्स, इनमें कुछ डिफरेंसेस होंगे ग्रोथ को लेकर, राइट? उस डिफरेंस को भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, राइट? सो इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ, उनके जीवन काल में, उनके लाइफ साइकिल में जो भी ग्रोथ है वो कंटिन्यूस रहता है टिल देयर डेथ, राइट? बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज दे हैव मेरिस्टमैटिक सेल्स। मेरिस्टमैटिक सेल्स आर व्हाट, द डिवाइडिंग सेल्स, याद रखना है।
ये कंटिन्यूस डिवाइड होते हैं, राइट। सो इनकी प्रेजेंस की वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीस मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दे हैव द ग्रोथ कंटिन्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। आई बात समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन एनिमल्स, एनिमल्स के केस में आप ये देखोगे कि जो ग्रोथ है इट अकर्स एट सर्टेन एज, आफ्टर विच द सेल्स डिवाइड्स ओनली टू रिप्लेस वॉर्न आउट सेल्स, राइट। जो खराब सेल्स हैं या मरे हुए सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए ही सेल का डिविजन होगा, राइट। सो एनिमल्स में आपको ग्रोथ जो है वो दिखाई देगी एक एट अ सर्टेन एज, एक पर्टिकुलर एज तक, राइट। आपने ये चीज जरूर देखी होगी, राइट, कि प्लांट्स में थोड़ा आप ग्रोथ की बात करो तो कभी कभी आपको ये दिखाई देगा कि एक ब्रांच बहुत ज्यादा बड़ी है, एक ब्रांच बहुत छोटी है, राइट। आपको ये भी दिखाई देगा कि जो रूट्स हैं कुछ कुछ साइज छोटे हैं, कुछ के साइज बड़े हैं। सो यहां पर आपको ये देखने को मिलता है कि ग्रोथ डेफिनेट नहीं है, ग्रोथ डेफिनेट नहीं है, जबकि एनिमल्स के केस में ग्रोथ डेफिनेट है। आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि ह्यूमंस में ये हाथ बड़ा है और ये हाथ छोटा है, दोनों हाथ सेम साइज का, राइट। ग्रोथ दोनों में सेम होगी। तो याद रखना है एनिमल्स में ग्रोथ डेफिनेट होता है, स्पेसिफिक होता है, राइट, बट इन द केस ऑफ प्लांट्स ग्रोथ इज नॉट डेफिनेट। आप देखोगे कि कोई पार्ट ज्यादा ग्रो हो चुका है, कोई पार्ट कम हो ग्रो हो चुका है, राइट। सो दैट इज व्हाट दिस। नेक्स्ट, थ्री प्रोसेसेस स्टूडेंट्स, तीन प्रोसेस है दैट आर इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ। पहला प्रोसेस है सेल डिविजन, सेल डिविजन। दूसरा प्रोसेस है सेल एनलार्जमेंट, जिसको सेल ग्रोथ बोल सकते हो, राइट। इसके ऊपर भी अभी हम आगे पढ़ने वाले। सिक्रीशन ऑफ एपोप्लास्मिक सब्सटेंसेस, एपोप्लास्मिक मतलब सेल के बाहर, प्रोटोप्लास्मिक मतलब सेल के अंदर, राइट। कुछ सब्सटेंसेस सेल के बाहर की तरफ सिक्रीट होंगे, कुछ सेल्स के अंदर। एपोप्लास्मिक मतलब सेल के बाहर के सब्सटेंस, प्रोटोप्लास्मिक का मतलब होता है सेल के अंदर के सब्सटेंस, राइट। सो आगे बढ़ते हैं इसको लेकर, इतना क्लियर होगा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेट शेप एंड साइज, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राइट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ओके, सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको दो तरीके का ग्रोथ दिखाई देगा, दैट इज इंसेप्शन एंड एक्रेशन। इंसेप्शन एंड एक्रेशन। अब इंसेप्शन क्या होता है? इट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पहली चीज याद रखनी है, किसमें होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, विच शोज इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल्स, is due to addition of materials and formation of cells inside their body, right? So internal growth जो होता है living organisms में, उसी को हम क्या कहेंगे? Interceptions. Okay. Accretion क्या होता है? Non-living articles increase in size, right? यहाँ पर बात की गई है about the non-living articles, right? जो कि क्या शो करते हैं? External growth, right? Accretion इसीलिए क्या आ गया है? Due to addition of similar material on their outer surface. Outer surface समझ में आ रहा है? It is saying about the external part, right? So, an example, stones, crystals and mountains, right? आप soil की layer पे layer add करते रहो, आपको एक बड़ा mountain दिखाई। That is external. That is on the surface. It is occurring on the surface. तो दो तरीके का ग्रोथ होता है, एक है इंसेप्शन, दूसरा है एक्रेशन, राइट। इंसेप्शन मतलब इंटरनल ग्रोथ होगा और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात है, और एक्रेशन का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग का ग्रोथ। ओके, अब यहां से एक चीज पता चल गई कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, कि अगर किसी में ग्रोथ दिख रहा है तो हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कह दें, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नॉन लिविंग शो ग्रोथ, राइट। याद रखना है, एमसीक्यू आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड योर आंसर शुड बी ग्रोथ। ग्रोथ अकर्स इन लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
ओके नाउ नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस। ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस दो तरीके के सब्सटेंसेस हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एक्टोप्लाज्मिक। मैंने अभी बताया था प्रोटोप्लाज्मिक मतलब क्या होगा, अंदर बनेगा सेल के अंदर, एक्टोप्लाज्मिक मतलब सेल के बाहर बनेगा। अब सोच रहे हो तुम लोग ये सेल है, सेल के अंदर कुछ बनेगा तो सेल का साइज बढ़ेगा, सेल के अंदर बनेगा कुछ तो ये सेल का साइज बढ़ेगा और बाहर की तरफ भी कुछ ना कुछ बन रहा है, तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि एरिया बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, राइट। सो यहां से पता चल रहा है किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। सो ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस प्रोटोप्लाज्मिक है, एक्टोप्लाज्मिक है। प्रोटोप्लाज्मिक क्या होता है, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग मैटर लाइक साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसके अंदर साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ होगा, राइट। दैट इज व्हाट इज प्रोटोप्लाज्मिक। नेक्स्ट इज एक्टोप्लाज्मिक, दीज आर नॉन लिविंग मटेरियल्स फॉर्मड बाय सेल्स। सेल वॉल हो गया पहला चीज, दूसरी चीज है बोन की मैट्रिक्स, राइट। बोन की मैट्रिक्स जो कि कैल्शियम से बनती है, राइट। सो यहां पर याद रखना है प्रोटोप्लाज्मिक क्या है, एक्टोप्लाज्मिक क्या, ओके। प्रोटोप्लाज्मिक मतलब जो भी कंपोनेंट्स होंगे कहां होंगे, इन दी लिविंग मैटर या फिर इनसाइड बोल सकते हैं, राइट। और एक्टोप्लाज्मिक मतलब क्या होगा, नॉन लिविंग या फिर जो बाहर की तरफ बन रहा है, अंदर की तरफ नहीं बन रहा है, राइट। दिस इज एक्टोप्लाज्मिक। So this is what is growth and development, right? Which is a third characteristic of the living organism, right? Ab next fourth characteristic hai metabolism. Metabolism ko ek aur naam hai biochemical reaction. Okay. So रिएक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तो सेल में हर एक मोमेंट, हर एक सेकेंड पर क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ द रिएक्शन वी आर एबल टू वर्क, राइट। हम रिएक्शन की वजह से ही हम खा पा रहे हैं, हम लोग लिख पा रहे हैं, हम लोग स्पीक कर पा रहे हैं, हम लोग हियर सुन पा रहे हैं, राइट। इट्स बिकॉज ऑफ दीज रिएक्शंस जिसके वजह से आपको ये समझ में आएगा कि एनर्जी मिलती है। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं सेल्स में जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी, राइट। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, फूड, राइट। सो वी कैन कैटेगराइज द बायोकेमिकल रिएक्शंस, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्या कोई चीज बना रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहे हैं या फिर कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस तोड़ रहे हैं। इन केस एग्जाम्पल ले लें कार्बोहाइड्रेट्स का, स्टार्च का एग्जाम्पल ले लो, हम मैंने स्टार्च खाया तो माउथ में क्या होता है, देयर इज इनिशिएशन ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन शुरू होता है, टीथ है, राइट, टंग है, ये सब यूज होंगे, सलाइवरी ग्लैंड है, ये सब यूज होंगे टू बेसिकली क्रश दी फूड। तो स्टार्च क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो मेरे माउथ में जाने के बाद, मेरे बक्कल कैविटी में जाने के बाद इट इज गेटिंग ब्रोकन डाउन। सो डिस्कस कर लेते हैं इसको, राइट। सो इट इज अ सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस, सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म याद रखना है, विच कंसिस्ट ऑफ एनाबॉलिज्म एज वेल एज कैटाबॉलिज्म, सिंपल एज दैट। सम टोटल मतलब क्या होता है, बोथ द टाइप ऑफ रिएक्शन, एनाबॉलिज्म एज वेल एज कैटाबॉलिज्म। दो टाइप का मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, एनाबॉलिक या फिर एनाबॉलिज्म, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक रिएक्शन या फिर कैटाबॉलिज्म, राइट। सो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म सम टोटल मेक्स मेटाबॉलिज्म, दोनों को मिलाकर वी से दैट इट इज अ मेटाबॉलिज्म, ओके। सो एनाबॉलिज्म क्या होता है, लेट्स डिस्कस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, कंस्ट्रक्ट करना, कोई चीज फॉर्म करना, सिंथेसाइज करना, प्रोड्यूस करना, राइट। एनाबॉलिज्म इज कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्यों बोला है, बिकॉज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग अप द केमिकल रिएक्शन, ओके।
इट इन्वॉल्व्स सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. इट इन्वॉल्व्स सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन इज फोटोसिंथेसिस. इंपॉर्टेंट याद रखना है, फोटोसिंथेसिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन. जिसमें क्या होता है, CO2 होता है राइट, H2 होता है राइट, जिससे क्या बनता है, वी गेट कार्बोहाइड्रेट. तो ये सिंपल सिंपल है दोनों राइट, ये दोनों सिंपल है. सिंपल से क्या बन रहा है, ये वाला कॉम्प्लेक्स, दिस इज सिंपल, और इस सिंपल से क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है. दिस इज नोन एज व्हाट, एनाबॉलिज्म राइट. नेक्स्ट है कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव. खत्म करना, खत्म एक्चुअली यहां नहीं होगा, इट इज नथिंग बट ब्रेकडाउन. ओके, सो इट इंक्लूड्स ऑल द ब्रेकडाउन रिएक्शंस. इट इंक्लूड्स ऑल द ब्रेकडाउन रिएक्शन. मैं डाइजेशन कर रहा हूं, बाइटिंग, ब्रेकडाउन हो रहा है, विच इज एग्जाम्पल ऑफ द कैटाबॉलिक रिएक्शन. डाइजेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन. इट इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जैसे मैंने बताया. इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, रेस्पिरेशन, डाइजेशन. विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, सेलुलर. सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें क्या प्रोड्यूस होता है, ATP. राइट, कार्बोहाइड्रेट को क्या किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, जिससे ATP प्रोड्यूस करने में मदद मिलती है. राइट, सो दिस इज व्हाट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन. अब याद रखना है कि मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. यहां पर देखो दिया हुआ है, इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आपको नॉन लिविंग थिंग में नेचुरली मेटाबॉलिक रिएक्शंस देखने को नहीं मिलेंगे. राइट, सो इसको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. राइट, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, डैश इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो योर आंसर शुड बी मेटाबॉलिज्म. जब इसका अपोजिट पूछा जाए, डैश इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, your answer should be growth, because growth is also occurring in the non-living organism.